तो जब हम भालू के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए फॉरेस्ट के अफसरों के साथ सातपुड़ा के जंगलों में गए थे, तब हमें ये पता चला कि भालू के हमले वहां के लोगों के ऊपर हुए हैं। वो हमलों में एक कॉमन बात थी कि वो हमले फीमेल की तरफ से हुए थे। तो कोई भी छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, अगर वो अपने बच्चों को पाल रही है तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमने RFO से बात की और उन्होंने हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए कि अगर आप जंगलों में जा रहे हो तो एक काठी रखो, उसको घुंघरू बांध के रखो ताकि उस आवाज से कोई भी जानवर दिशा चेंज कर ले। भालू आपके 50-100 मीटर की दूरी पे हो तो आप जोर जोर से चिल्ला सकते हो ताकि गांव वालों को ये पता चले कि आप खतरे में हो, वो आपके हेल्प के लिए आ जाए। अगर भालू बहुत सामने आ जाए, उसने देखा नहीं होगा आपको, तो आप कहीं पे छुप जा सकते हो या लेट सकते हो, क्योंकि भालू की देखने की जो क्षमता होती है वो सूंघने की क्षमता से बहुत कम होती है। इसलिए भालू दो पैरों के ऊपर खड़ा रह के सूंघता है। अगर आप लेटे रहोगे तो आपकी गन भालू तक नहीं पहुंचेगी और आप अपनी जान बचा सकते हो और गांव में होने वाले भालू के हमले को कम कर सकते हो।